विश्व की सबसे बड़ी एथिकल हैकर बन गई। ये कहानी है गाजियाबाद की कामाक्षी शर्मा की, जिन्होंने 2021 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। देश की 28 जगहों पर 50,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देकर वो 5,000 केस भी सॉल्व कर चुकी हैं। कामाक्षी पर बॉलीवुड में बायोपिक भी बनने जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाली कामाक्षी शर्मा ने अपने माता पिता के साथ देश का नाम भी रोशन कर दिया है। दोस्तों के मजाक से एथिकल हैकर बनी कामाक्षी शर्मा अलग अलग राज्यों में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम के लिए ट्रेन कर चुकी हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकी कामाक्षी शर्मा देश में रोजाना 1.5 से 1.25 लाख करोड़ की होने वाली ठगी को एक बड़ा चैलेंज मानती हैं। इसके लिए वो काम भी कर रही हैं। वो पुलिस से लेकर NIA तक की मदद कर चुकी हैं। वो साइबर अपराध को रोकने के लिए जन जागरूकता की पक्षधर हैं। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल भी चाहती हैं। मुझे कॉलेज में एथिकल हैकिंग का काफ़ी शौक था कि कि IDs वगैरह कैसे हैक होती हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं गूगल से सीखती रहती थी। अब मजाक में किसी ने, जब होता है ना कि आप थोड़ा कॉलेज टाइम था भी, ऐसा मैं उछलती थी कि मैं हैकर हूँ ये हूँ, तो मेरे ही किसी फ्रेंड ने मेरी फेक ID बना दी। अब जब वो फेक ID बनाई तो फिर मैं अपने डीन सर के पास गई थी एंड उन्होंने मेरे को बोला तुझे हैकिंग आती है तो इन्वेस्टिगेट करना। मुझे पता लगा कि वो मेरी ID एक फ्रेंड ने बनाई है। बस वहीं से ये गेम शुरू हो गया और मुझे समझ आ गया कि अच्छा, इससे इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है। कामाक्षी पॉलिटिकली जुड़कर साइबर क्राइम पर काम करने के लिए आगे आना चाहती हैं। उनके मुताबिक ज्यादातर साइबर अपराध महिलाओं की फेक ID बनाकर किए जाते हैं, जिनमें ब्लैकमेलिंग और पैसे ऐंठने जैसे काम शामिल है। कामाक्षी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा डार्क वेब को मानती हैं, जहां हैकर्स को ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होता है। कामाक्षी इन अपराधों से निपटने के तरीके भी बताती हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं वैसे वैसे फेसबुक गूगल यहाँ पे हमारे पासवर्ड्स तक लीक हो जाते हैं, हमारे पर्सनल पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीक हो जाती हैं। और आपने बताया कोविड का डाटा है, वो कोविन जो जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है उनका डाटा लीक हो रहा है। आप शॉपिंग कर रहे हो वहाँ से डाटा लीक हो रहा है, हर जगह से डाटा लीक हो रहा है। और ये भी बात सही है, जिसपे जितना डाटा है वो उतना बड़ा बिजनेस करेंगे आज के डेट में, क्योंकि उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो ये सब आज के डेट में आपका डाटा एनालाइज करके बता देते हैं। कामाक्षी ने साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार से नई पॉलिसी बनाने की मांग की है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम और उससे होने वाली ठगी को रोका जा सके। कामाक्षी की कोशिशें अगर रंग लाईं तो देश में साइबर अपराध की समस्या दूर जरूर होगी। गाजियाबाद से भारत समाचार के लिए लोकेश राय की रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख करते हैं मुजफ्फरनगर के राज्य माफिया और गैंगस्टर विनय त्यागी की। यूपी